हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज है गोलू की बहन है निधि, उसका बर्थडे है, तो हम लोग जा रहे हैं उसके लिए केक लेने, मऊ से केक और गिफ्ट लेने। गोलू क्योंकि है नहीं, बलिया है, वो रास्ते में आ रहा है, तो उसने कहा था कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो तुम लोग जाके लेते आना। तो हमारे चिड़ियाकोट मार्केट में तो मिलता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता है केक, तो हम लोग सोच रहे थे कि इसलिए चल जाएँ मऊ से लेते हैं, मऊ में अच्छी अच्छी दुकानें हैं। तो बस हम लोग रास्ते में अभी हैं, थोड़ा रुके हैं जगह पे, क्योंकि गाड़ी में हवा नहीं है, हवा ले रहे हैं, तो हवा भरा लेंगे, तो उसके बाद से हम यहाँ से निकलेंगे। तो ठीक है, हम लोग रास्ते में अभी चल रहे हैं, हवा भरवा लेते हैं, हवा भरवा करके जाते हैं, और एक दो एक डेढ़ घंटे में हम लोग आ जाएंगे लेकर के। ठीक है, अभी निकलते हैं फिलहाल। केक ले लिए हम लोग दोस्तों, और लेकर के यहाँ से निकल गए हैं दुकान से बाहर। हमारी बाइक यहाँ खड़ी है, गर्मी बहुत ज़्यादा आज है, उमस हो रही है, बारिश तो नहीं लग रहा है कि होगा। हम लोग केक डन हो गया है, ले लिए हैं, थोड़ा महंगा पड़ा 1000 का 1 किलो, लेकिन ठीक है दोस्तों। केक लेकर के हम लोग घर आ गए हैं, और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं क्योंकि गाय जो हमारी है उसको कुछ मतलब तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए दवाई लेने जा रहे हैं। अभी वो जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और एक सामान और मार्केट से लेना है, क्योंकि चाट मसाला लेना है। हाँ, चाट मसाला लेना है, कुछ बने बनेगा तो गोलू के यहाँ, तो उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं दवा लेने के लिए, और हाँ केचप भी है। और अभी रास्ते में अभी घर से निकला तुरंत, और लग रहा है कि बारिश होगी क्योंकि हवा चल रही है, आंधी आ रही है, हवा नहीं है, और अभी मौसम देखिए लग रहा है ऊपर बादल लग रहा है, तो लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, और इंतज़ार भी था बारिश का, क्योंकि खेत में फिर पानी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब बारिश अगर अच्छा खासा हो जाएगा, तो देखते हैं। लेकिन लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, बादल लग रहा है पूरा अच्छी तरीके से। फिलहाल जा रहे हैं हम लोग, मैं और कपूर हैं, जा रहे हैं मार्केट दवा लेने और वही केचप वगैरह लेने, फिर ले करके आते हैं घर पर। फिर तब तक गोलू शायद आ जाएगा, या फिर नहीं उसको शाम हो जाएगा शायद आने में, तो आएगा तो फिर देखते हैं, गोलू से भी मिलते मिलते हैं। अभी तो फिलहाल जा रहे हैं दवा ले करके आते हैं हम लोग अभी। दोस्तों हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, जो डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है और यहीं पे दवा मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन यहीं पे बगल में आवास भी है इन लोग का गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें शायद अंदर है क्योंकि बाइक यहाँ पे खड़ी है। तो कपूर अंदर गया हुआ है लेने के लिए दवा, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बाहर, अभी वेट कर रहा हूँ उसका, कोई है भी नहीं, पूरा खाली एकदम। और देखिए हवा चल रहा है कितना सही, अब मौसम लग रहा है कि बारिश होगी अब। उधर से बादल भी आ रहा है, पूरा उधर से लग रहा है बादल अभी आ रहा है, और शाम तक या रात में शायद बारिश हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी है अभी बारिश होना, तो हम लोग यहीं बैठे, यहीं पे मैं खड़ा हूँ, अभी वेट कर रहा हूँ, कपूर गया लेने अंदर, और वो कपूर आ गया बाइक से निकाल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मिल गया शायद या नहीं मिला, शायद पता नहीं, पूछ के देखते हैं एक बार। दवा तो मिल गया दोस्तों, अब हम लोग निकल गए यहाँ से, जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा जो सामान लेना था वो ले लेंगे, क्योंकि बारिश आ रही है, तो उसके पहले लेके घर भी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाएंगे पूरा, क्योंकि पन्नी भी नहीं लिया, कोई पन्नी होता तो मोबाइल या पैसे वैसे सब रख लेता, लेकिन पन्नी भी नहीं है,
तो तुरंत जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से, यहाँ से अरे मार्केट से सामान लेके घर चलेंगे तुरंत। अब ड्राइवर भैया, तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं, घर जा रहे हैं, अब घर जा रहे हैं, काम हो गया यहाँ पे। जैसा कि मैंने बोला था कि बारिश आने वाली है, अब बारिश आ भी गई है, तो इसमें थोड़ी देर के लिए हम लोग इंतज़ार करने लगे किसी दुकान पे बैठ करके। और अभी देखिए बारिश अभी धीरे धीरे हो रही है फिलहाल, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन हाँ तेज़ होगी, ये मौसम पूरा बना हुआ है। तो इसके पहले तेज़ हम लोग सोच रहे हैं कि घर चले जाएँ, नहीं तो भीग जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं घर, तो घर मिल के घर पहुँच के आपसे मिलते हैं फिर। दोस्तों जब दोपहर में हम लोग जब गए थे मऊ केक लेने के लिए, तब इतनी तेज़ धूप थी, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तब लग नहीं रहा था कि बारिश होगा। और अभी देखिए अभी पूरा मौसम पूरा चेंज हो चुका है 2-3 घंटे के बीच में, और अभी पूरा तरीके से मौसम लगा हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो भी रही है, हम लोग थोड़ा थोड़ा भीग भी रहे हैं। तो अब तेज़ ना हो जाए इसके लिए हम लोग रुके तो थे एक दुकान पे कि भीग ना जाए, लेकिन अब ये डर लग रहा है कि कहीं फिर इंतजार करेंगे ज़्यादा तो बारिश तेज़ हो जाएगी तो भीग जाएंगे या रुकना पड़ेगा लंबा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है उसमें ही हम लोग कहीं चल लेते हैं तब तक घर, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं घर मेरा, मार्केट से सिर्फ 3.5-4 किलोमीटर ही है, तब तक तो पहुँच जाएंगे हम लोग। लेकिन पूरा मौसम अब और अच्छे से लग गया है, उधर देखिए पूरा बादल लगा हुआ है एकदम, बारिश तो होगी। ज़रूरी था वैसे तो, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे बारिश के लिए, लेकिन नहीं हो रही थी, तो ज़रूरी था ये बारिश होना। वैसे तो मऊ में जब हम लोग निकले थे तो वहाँ पर भी हल्का हल्का बारिश शुरू हुआ था, तो अब उधर हो रहा था मऊ में, लेकिन अब उधर की तरफ नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर भी होने लगा है। दोस्तों क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग अभी, और क्रिकेट ख़त्म हो गया, हाथ पैर धुल लिया है और पसीना ज़्यादा हो गया था, इसलिए थोड़ा पंखे के नीचे बैठा था। और अभी गोलू का फ़ोन आया कि केक काटने के लिए बुला रहा है, मतलब केक कटिंग होगा अब, तो हम लोग बाबू को लेकर के नमन को लेकर के जा रहे हैं केक काटने, क्योंकि नमन से ही केक कटवाएगा गोलू, तो हम लोग जा रहे हैं अभी उसके घर पर, और हाथ पैर धुल के जाके देखते हैं क्या पे वहाँ पर क्या क्या वहाँ पर प्रोग्राम है। फोटो वीडियो अच्छा तो गर्मात होगी दोस्तों। तब आज बर्थडे का तो प्रोग्राम हो गया, केक कटिंग सब हो गया, और अभी हम लोग निकले हैं दूध लेने के लिए। आज का पूरा ब्लॉग लगभग गाड़ी पर ही हुआ है सारा, स्कूटी पे जा रहे दूध लेने के लिए, जो कि ये रोज़ का काम है, इस टाइम पे हमेशा दूध लाते हैं। तो केक कटिंग हो गया है सब कुछ, ज़्यादा कुछ होता नहीं है वैसे हम लोग के बर्थडे में, केक कटिंग भी तब अच्छा माना जाता है हमारे में खाने के, लेकिन बस एक ऐसे ही मतलब नया ट्रेंड है, तो ऐसे हुआ था कि चलो कर लेते बच्चों के लिए। दोस्तों हम लोग का सारा काम तो ख़त्म हो गया आज का, केक कटिंग भी हो गया और दूध लाना था, दूध भी आ गया है, और अभी कुछ पूरा अब कुछ करने को है नहीं, तो अब मैं सोच रहा हूँ वीडियो कहीं ख़त्म कर दूं। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं आज, फिर जैसे आज कुछ करने को ज़्यादा था नहीं, तो सारा ब्लॉग आज बाइक पर ही बन गया, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर आज ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तो आप लोग तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर चलता हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।